सक्सेस के लिए क्या जरूरी है। एक बार ना एक शहर की कॉलोनी में एक बुजुर्ग कपल आंटी और अंकल रहते थे। वो कॉलोनी अभी जल्दी ही बनी थी, इसीलिए उसमें 4 से 5 घर ही बसे हुए थे। इनका बेटा इन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी ये नहीं चाहती थी कि वो घर पर रहकर अपने सास ससुर की मदद करे। ये बुजुर्ग अंकल और आंटी जिस कॉलोनी में रहते थे, उन्हें हमेशा से ये डर रहता था कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, इसलिए वो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन उनका ये रूटीन था कि वो हर सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने के लिए निकल जाते थे। एक दिन दोनों रोज की तरह ही सुबह को टहलने निकले थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का तेजी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और उस साइकिल के पीछे एक फावड़ा बंधा हुआ था, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चले गए। अब दूसरे दिन उसी समय फिर से वो लड़का दिखा और उसी तरह तेजी से साइकिल चलाता जा रहा था, और इसी तरह तीसरे और चौथे दिन भी वो लड़का दिखा। अब 5वें दिन आंटी जी ने अंकल से पूछा कि ये लड़का हर रोज सुबह इसी समय तेजी से साइकिल चलाते हुए जाता है और मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं ये लड़का कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा है। लेकिन अंकल जी ने मना कर दिया कि जा रहा होगा कहीं हमसे क्या। परंतु आंटी जी बोली, हमको देखना चाहिए कि हमारी कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं। तो अंकल जी बोले कि ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये कहां जा रहा है। अब अगले दिन सुबह को फिर से वो लड़का तेजी से साइकिल चलाता निकला, उनके पीछे अंकल और आंटी जी भी गई। अब उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद वो लड़का एक पेड़ के पास साइकिल खड़ी कर दी और उसी पेड़ के पास थोड़ी सी खाली जमीन पड़ी थी, उसे वो खोदने लग गया। तो अंकल और आंटी जी कुछ देर तक देखते रहे कि ये लड़का क्या कर रहा है, लेकिन लड़का जमीन खोदे जा रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने लड़के से पूछा कि आप ये जमीन क्यों खोद रहे हो। तो लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंकल जी, मैं आप दोनों को रोज देखता हूं, लेकिन आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं, और यहां जमीन इसीलिए खोद रहा हूं कि मेरी नई नई नौकरी लगी है। तो अंकल ने पूछा कि कहां नौकरी लगी है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें जमीन खोदनी है। तो लड़के ने कहा, मैं बड़े दिन से बेरोजगार था, फाइनेंशियली मुझे फार्म हाउस में काम मिला है और उन्हें ऐसे लड़के की जरूरत है जिसे काम करने का अनुभव हो, और मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं है, इसीलिए मैं रोज यहां फावड़ा लेकर आता हूं और जमीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूं, ताकि जैसे ही नौकरी पर काम शुरू हो उसमें हमें निकाल ना दिया जाए, इसीलिए रोजाना मेहनत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। उस लड़के की बात सुनने के बाद अंकल और आंटी जी ने लड़के को आशीर्वाद दिया और बोला कि बहुत ही बढ़िया बात है, प्रयास ही जिंदगी में सब कुछ है। यह छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। तो अगर हमें सक्सेस होना है तो सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज है हमें लगातार मेहनत, कोशिश और प्रयास करने होंगे, तभी हम जिंदगी में सफल हो पाएंगे।